हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन टेक एंड गेमिंग। और दोस्तों, आर्यन टेक एंड गेमिंग चैनल पे आ चुका है सबसे तगड़े स्पेसिफिकेशन वाला फ्लैगशिप फोन, जिसका नाम है सैमसंग S22 अल्ट्रा। तो आज की वीडियो में करेंगे इसका फुल रिव्यू एंड एक क्विक अनबॉक्सिंग भी आपको शो करूंगा मैं। तो बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, इससे आपके भाई की काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, ये है सैमसंग S22 अल्ट्रा का बॉक्स। एंड बॉक्स के ऊपर ध्यान दे तो यहाँ पे हमें बरगंडी कलर में S लिखा हुआ मिल जाता है, साथ में हमें यहाँ पे बड़ा सा 22 लिखा हुआ मिल जाता है, एंड यहाँ पे नीचे गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की ब्रांडिंग भी की गई है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो पीछे की तरफ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है डिवाइस के बारे में। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, बॉक्स काफ़ी पतला सा है, तो यहाँ पे हमें कोई भी चार्जिंग अडैप्टर देखने को नहीं मिलता है इसके बॉक्स में। अब करते हैं इसको फटाफट से अनबॉक्स। ओके, सबसे ऊपर हमें अपना फ़ोन मिल जाता है, एंड काफ़ी हैवी है फ़ोन। वैसे यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मोटा सा फ़ोन आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक सेक्शन मिलता है जिसमें सिम इजेक्टर टूल है। तो यहाँ पे हमें USB टाइप C2C केबल देखने को मिलता है, साथ साथ कुछ क्विक स्टार्ट गाइड एंड यूज़र मैनुअल भी देखने हमें को मिल जाता है। अब सभी चीज़ों को रखते हैं साइड में, एंड अब मैं करता हूँ फ़ोन को अनरैप। वाओ वाओ दोस्तों, फ़ोन काफ़ी अच्छा है, एंड 5000 के हिसाब से, 5000 mAh की बैटरी के हिसाब से मुझे ये उतना हैवी नहीं लग रहा। जितना मोटा और भारी दिखता है, उतना भारी यहाँ फील नहीं हो रहा है। वैसे यहाँ पे आपको ग्लास बैक एंड एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाती है, एंड कर्व्ड स्क्रीन दिया गया है। तो अब फटाफट से करते हैं इसको स्विच ऑन। सैमसंग लिखा हुआ मिल जाता है, एंड गैलेक्सी सिक्योर्ड बाय नॉक्स पार्ट बाय एंड्रॉयड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड इसकी स्पेसिफिकेशन की अब बात करते हैं। तो अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। तो इसका प्राइस 1,10,000 रुपीज है, एंड मेरे हिसाब से जो फीचर्स इस फोन में आपको देखने मिल रहे हैं, उस हिसाब से इसका प्राइस जस्टिफाइबल है। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको तीन कलर्स देखने मिलते हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड बरगैंडी। एंड मैंने यहाँ पे बरगैंडी कलर के साथ पूरी टेस्टिंग की है। वैसे आपको कौन सा कलर पसंद है, आप मुझे चाहे तो कमेंट में बता सकते हो। तो अब आ जाते हैं दोस्तों डिज़ाइन पे। तो ये सबसे पहला S सीरीज़ है जिसमें आपको S पेन का सपोर्ट देखने मिलता है, एंड यहाँ पे आप S पेन से काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो एक सिंगल क्लिक में अपने S पेन के थ्रू, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप S पेन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। एंड दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि जब यहाँ पे आप S पेन से कुछ लिखते हो तो वो आपको रियल लाइफ पेन पेपर वाली फीलिंग देता है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है जब आप लिखते हो। तो ये चीज काफी अच्छी लगी है मुझे इसके S पेन के फीचर के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे आगे और पीछे की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस टॉप ऑफ द लाइन देखने मिलता है। साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे फ्रेम हमें एल्यूमिनियम की दी गई है, एंड यहाँ पे IP रेटिंग की बात करें तो IP रेटिंग 68 सर्टिफाइड ये फोन आता है। तो प्रोटेक्शन के मामले में यहाँ पे हमें सब कुछ प्रोवाइड किया गया है अच्छे तरीके से। इन हैंड फील की बात करें दोस्तों, तो इसका वेट 228 ग्राम्स है, एंड अगर आप डे टू डे लाइफ में जब इस फोन को यूज़ करते हो तो उतना हैवी फील नहीं होता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पीछे की तरफ राउंडेड कॉर्नर्स होने के कारण ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है। साथ साथ दोस्तों, ये फ़ोन ईजिली आपके हाथ से स्लिप आउट भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा दोस्तों, कि ये फ़ोन आप सिंगल हैंडेड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चौड़ा है और थोड़ा बड़ा फ़ोन है। तो यहाँ पे आपको इस फोन को डबल हैंडेड ही यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा सिस्टम देखने मिलता है, एंड दोस्तों यहाँ से कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल ही हटा दिया गया है, एंड लेंसेज को डायरेक्टली बॉडी के ऊपर प्लेस कर दिया गया है, जो कि लुक में काफ़ी यूनिक लगता है। साथ साथ दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत वॉबल करता है जब आप इसे फ्लैट सर्फेस पर रखते हो, लेकिन ये इतना एक्सेप्टेबल है। साथ साथ दोस्तों, आगे की तरफ कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है, साथ साथ आपको ऊपर की तरफ पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है इस फोन के साथ। तो ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो मुझे इसका डिज़ाइन एक स्टर्डी बिल्ट लगा है।
पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ अपना स्टाइलस देखने मिलता है, स्पीकर ग्रिल्स मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड डुअल नैनो सिम ट्रे भी देखने मिल जाता है। लेफ्ट साइड में हमें क्लीन लुक देखने मिलता है, एंड राइट साइड आए तो हमें अपना वॉल्यूम बटन एंड पावर बटन प्लेस करके दिया गया है, एंड ऊपर की तरफ हमें नॉइस कैंसिलेशन के लिए सेंसर दिया गया है। एंड दोस्तों मैं यहाँ एक बात बता दूं कि यहाँ जो USB पोर्ट दिया गया है वो USB 3.2 है, तो इससे जो आपकी डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगी इस फोन के साथ। तो आ जाते हैं दोस्तों डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा सैमसंग के फ्लैगशिप्स की डिस्प्ले कितनी अच्छी होती है, एंड यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कलर्स बहुत ही पंचे निकल के आते हैं एंड इसकी डिस्प्ले मुझे काफी अच्छी लगी है। यहाँ पे आपको 6.8 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2X क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ स्क्रीन मिलती है, एंड साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अडेप्टिव 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है, यानी 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच ये वेरी करता है, तो इससे आपकी बैटरी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होती है एंड बैटरी सर्वाइव ज़्यादा करती है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले वाला फ़ोन मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपको 1750 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, एंड आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर आप हैवी से हैवी सनलाइट में भी इसको ले जाते हो तब भी विजिबिलिटी की कोई इशू नहीं आएगी। और दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाले फीचर पे जाते हो सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि आपके डिस्प्ले को और भी बेटर बना देती है अगर आप हैवी सनलाइट में इसे ले जाते हो। तो HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन आता है दोस्तों, एंड नेटफ्लिक्स में आप HDR में कॉन्टेंट स्ट्रीमिंग कर सकते हो, साथ साथ विंग एंगल्स में कोई टिंट भी आपको देखने नहीं मिलता है। एंड दोस्तों कर्व्ड स्क्रीन के कारण स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे बेजल्स बहुत ही पतले हैं, नहीं के बराबर मैं कहूँगा, साथ साथ चिन भी बहुत पतला आपको देखने मिल जाता है। और तो और दोस्तों यहाँ पे पंच होल की जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटी सी हो जाती है, तो आप कंटेंट जब स्ट्रीम करते हो तो यहाँ पे वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाती है। तो अगर कंटेंट स्ट्रीमिंग आपका काम है तो इस फोन में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। उसी के साथ बात करते हैं हैप्टिक्स की, तो हैप्टिक्स हमें यहाँ पे सॉलिड वाली दी गई है, एंड मैंने S21 FE के वीडियो में कहा था कि हैप्टिक्स में सैमसंग को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड इस फ़ोन के साथ मैं कह सकता हूँ दोस्तों हैप्टिक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई है, एंड हैप्टिक की जो इंटेंसिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है, तो हैप्टिक्स के मामले में मैं इस फ़ोन को टॉप क्वालिटी कह सकता हूँ। तो बात करते हैं साउंड क्वालिटी की दोस्तों, तो ये फ्लैगशिप फ़ोन है तो यहाँ पे हमें स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है, साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का भी ऑप्शन हमें दिया गया है। साउंड की क्वालिटी की बात करें तो साउंड लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर आपको सुनने को मिलता है। मैं एक ऑडियो सैंपल प्ले करता हूँ, आपको भी आइडिया लग जाएगा। चलो हो गया, बस काफी। तो दोस्तों अब आ जाते हैं कैमरे पे, तो यहाँ पे मैं कैमरे से टोटली इम्प्रेस्ड हूँ, एंड मैं इसके कैमरे को डायरेक्टली DSLR के फोटोज से कंपेयर कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ हमें 108 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 12 का अल्ट्रा वाइड, 10 का 3x ऑप्टिकल लेंस एंड 10 का पेरिस्कोप लेंस दिया गया है। आगे की तरफ बात करें तो दोस्तों आगे की तरफ हमें 40 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने मिलता है, जिससे हम काफ़ी अच्छी अच्छी सेल्फीज निकाल सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कैमरा UI की बात करें तो वो आपको टिपिकल सैमसंग का देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे आपको डायरेक्टर्स मोड देखने मिल जाता है, रॉ फोटोग्राफ शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप राइट साइड बॉटम में ध्यान दो तो डिटेल एनहेंसर का भी ऑप्शन देखने मिलता है, एंड ये सच में फंक्शन करता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिटेल फोटोज निकल के आती है जब आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हो। कैमरा सैम्पल्स की बात करें दोस्तों तो मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कैमरा आपको टॉप क्लास देखने को मिलता है, कलर्स आपको एकदम नेचुरल देखने मिलेंगे, साथ साथ स्किन टोन जो है वो भी आपको इंडियन स्किन टोन के हिसाब से काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है।
वही बात करें हाई डायनेमिक रेंज की, तो उसका भी यहाँ पे एक फीचर काफ़ी अच्छे से फंक्शन करता है। एंड किसी भी लेंस के साथ आप यूज़ करो, यहाँ पे लाइट कंट्रोल बैकग्राउंड का जो है डायनेमिक रेंज के साथ वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। डिटेल्स की बात करें तो फोटोज़ में काफ़ी अच्छी डिटेल्स देखने को मिलती है, शार्प इमेजेस आती है, एंड यहाँ पे क्लैरिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है इसके फोटोज़ में। कलर शिफ्ट की बात करें तो दो लेंस के बीच, तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस में हल्का सा आपको कूलर टोन देखने मिलेगा, लेकिन वो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे तो उतना फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा। साथ साथ पेरिस्कोप लेंस में भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिटेल्ड फोटोज़ निकल के आती है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब बात करते हैं पोर्ट्रे मोड की, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पोर्ट्रे मोड में सुबह उठ के फोटो क्लिक किया जहां मेरे बाल कॉम्ब्ड नहीं थे, एंड वहां भी मुझे एज डिटेक्शन की कोई इशू अपने हेयर्स में फेस नहीं हुई। तो मैं यहां कह सकता हूं पोर्ट्रे मोड इसका काफी अच्छा है, एंड एआई जो है वो काफी अच्छा फंक्शन करता है इस फोन के साथ। दोस्तों यहां पे मैक्रो लेंस का 2 मेगापिक्सल वाला गेम कंपनी ने नहीं खेला है, जो कि काफी अच्छी चीज लगी है मुझे, लेकिन यहां पे आप नॉर्मल लेंस से जूम्ड इन फोटोज ले सकते हो, जो काफी अच्छे फोटोज निकाल के देता है, एंड अच्छी डिटेल्स भी इसमें आपको कैप्चर होते हुए दिखेगी। नाइट मोड की बात करें दोस्तों, तो नाइट मोड की भी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि नाइट मोड में अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी शेक करता है तो यहाँ पे ब्लर्ड इमेजेस आ जाती है, एंड एआई ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है। लेकिन वही आपका हाथ अगर अच्छे से स्टेबल रहता है तो यहाँ पे काफी अच्छी फोटोज निकल के आती है नाइट मोड के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको 8K 24fps की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, एंड फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आप 4K 60fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो व्लॉगर्स के लिए ये एक एडवांटेज हो जाता है। साथ साथ दोस्तों ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फ्लैगशिप फोन है तो सपोर्ट मिल ही जाता है, लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जब आप आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में ले जाते हो तो ये फोन भी यहां पे हीट करता है, ये कैमरा वाला पार्ट। एंड दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम मैंने आईकू 9 प्रो के साथ भी फेस किया था, एंड इससे मैं कह सकता हूं कि ये प्रॉब्लम फोन की नहीं है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ है ये प्रॉब्लम। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा इस फोन को परचेज करते वक्त। साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ, माइक्रोफोन की टेस्टिंग किया है मैंने, आपको इन वीडियो से अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए, तो गाइज मैं अभी अपने फार्म हाउस में आया हुआ हूँ, एंड ये वीडियो अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन के साथ शूट हो रही है, एंड ये फुल HD 60fps पे शूट हो रही है। तो यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन का अंदाजा लग रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे अभी वॉक कर रहा हूँ। वैसे हमारे चैनल के अगर आपको कॉन्टेंट्स पसंद आते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो वीडियो की क्वालिटी कैसी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, एंड मैं अभी इंडोर में हूँ तो यहाँ पे साउंड थोड़ा इको कर रहा होगा, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो गाइस ये वीडियो 4K 60fps पे शूट हो रही है, एंड यहाँ पे आपको वीडियो की क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा, साथ साथ पीछे हाई डायनेमिक रेंज कैसा आ रहा है उसका भी आपको आइडिया लग गया होगा, एंड माइक्रोफोन भी इस फोन का यूज हो रहा है, तो आप बैकग्राउंड नॉइज के साथ देख सकते हो कि कैसी आवाज़ आ रही है। एंड यहाँ पे 8K 24fps में शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि वो मुझे उतना रीजनेबल नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे 4K 60fps के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वीडियो की क्वालिटी कैसी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो ये वीडियो 4K 60fps फ्रंट कैमरे से शूट हो रही है, एंड यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा आपको लग रहा होगा कैसा है, एंड मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ। पीछे की तरफ हाई डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे से मैनेज हो गया है इस वीडियो में, एंड पीछे आप देख सकते हो कि लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छे से कर लिया है इसने, एंड यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा मैं दौड़ के दिखाता हूँ आपको, तो कुछ इस तरीके की थी इसकी स्टेबलाइजेशन। तो बात कर लेते दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्कोर्स के तरफ ध्यान दोगे तो इसका परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क आपको देखने नहीं मिलेगा, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के हिसाब का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जितनी भी टेस्टिंग की है यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी है रियल लाइफ एक्सपीरियंस में। साथ साथ बात करें हीटिंग की, तो यहाँ पे ये फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, एंड मैंने जितने भी टेस्ट रन किए यहाँ पे इसका टेम्परेचर 39 डिग्री से ज़्यादा नहीं गया है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि हीट को काफ़ी अच्छे से ये फ़ोन कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 देखने मिलता है, एंड टॉप ऑफ द लाइन LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। साथ साथ दोस्तों यहाँ रैम मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने मिल जाती है, एंड यहाँ पे ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कोई भी डिलेज आपको देखने नहीं मिलेगा, ना ही कोई मुझे लैग या जिटर्स इसके UI में देखने मिला। सॉफ्टवेयर की बात करें तो One UI 4.1 के साथ आता है, जो कि Android 12 बेस्ड है, एंड यहाँ पे सैमसंग ने क्लेम किया है कि 4 साल का OS अपडेट आपको मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये एक
क्लीनेस्ट यूआई में से कह सकता हूं, क्योंकि यहां पे आपको ब्लोटवेयर फ्री यूआई देखने मिलता है जब आप इसमें फोन को सेटअप करते हो। तो बैटरी की बात करें दोस्तों, तो यहां पे 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है एंड 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आता है। साथ साथ दोस्तों यहां पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट इस फोन में दिया गया है, तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। एंड यहां पे बैटरी बैकअप की बात करूं तो वो मुझे थोड़ी सी कमजोर लगी है, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक दिन का बैटरी बैकअप आपको देखने मिलता है इवन अगर आप नॉर्मल टास्क करते हो। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, ये फोन एक फीचर लोडेड फोन है तो उसके हिसाब से यहां पे बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, तो इसके कारण इसकी बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। वैसे दोस्तों चार्जिंग की बात करें तो ये 1 आवर 10 मिनट्स में चार्ज हो जाता है एंड आई थिंक सैमसंग के सभी फोन 1 आवर 2 आवर 10 मिनट्स में चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम मैं इसको एवरेज कह सकता हूँ। गेमिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे BGMI में आप टॉप ग्राफिक्स HDR एक्सट्रीम पे खेल सकते हो एंड यहाँ पे मुझे एज सच कोई लैग जिटर महसूस नहीं हुआ। एंड हीटिंग की बात करें तो हीट को काफी अच्छा कंट्रोल कर लेता है ये फोन, तो यहाँ गेमिंग के लिए मैं इस फोन को थम्स अप दे सकता हूँ। साथ साथ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है एंड यहाँ पे इसकी स्पीड मुझे काफी अच्छी लगी है। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब आप 10 बार मैंने अनलॉक किया तो यहाँ 10 के 10 बार ये क्विक रिस्पॉन्स के साथ अनलॉक हो जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, लेकिन अगर आप स्कोर्स की तरफ ध्यान दोगे तो वो उतना अप टू द मार्क आपको देखने नहीं मिलेगा इस फोन के साथ। वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2, NFC का सपोर्ट, सैमसंग पे एंड नॉक सिक्योरिटी का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। रही बात फ्यूचर प्रूफ है या नहीं ये फ़ोन, तो यहाँ पे आपको 17 5G के बैंड दिए गए हैं। एंड साथ साथ प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको 4G प्लस का कैरियर एग्रीगेशन भी देखने मिल जाता है, तो वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अब करते हैं मुद्दे की बात एंड आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको एक एंड्रॉयड सेगमेंट में फ्लैगशिप फोन लेना है तो आप इसके तरफ डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस एंड यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन कैमरा देखने को मिलता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अगर फ्लैगशिप फ़ोन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस फ़ोन की तरफ डेफिनेटली जाएं। इसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन जो फीचर्स ऑफर करता है वो भी जस्टिफाइबल है। तो बस गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाय।